बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। फैम क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और आपके बहुत बहुत प्यार मोहब्बत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी नहीं हो सकता बिना सपोर्ट के, लेकिन आपकी तरफ से ही मुझे सपोर्ट चाहिए। और फ्रेंड्स, आज बहुत बहुत उदास हूँ मैं, क्योंकि एक महीने से मेरी सिस्टर यहाँ आई हुई थी और मेरा बेटा ठीक नहीं था ना, तो इस वजह से मैंने उसे बुला लिया था। वो आ गई थी लेकिन मुझे काम तो कुछ भी नहीं करने गए थे, लेकिन हम दोनों मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन वो आ चली गई, दिल इतना उदास हुआ, इतना उदास हुआ और मैं इतना रोई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कितना रोई हूँ। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन इतनी मुझे अपनी बहन की सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़रूरत थी और ज़रूरत है और ज़रूरत होती रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, घर जिन अपने घर वालों ने तो अपने घर ही जाना होता है ना, लेकिन हम कितनी देर तक उसे यहाँ बिठा सकते थे। वो चली गई है, बहुत दिल उदास है और बहुत ही रो रही है। और आप इस दुआ करें कि मेरे लिए, कि मैं थोड़ा सा ना संभल जाऊँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच्ची मेरी बहन चली गई। वो गई तो अपनी घर ही है, तो फिर भी मैं ना इतना उदास हूँ और दिल कथा रो ही जाऊँ। और उसे कह रही हूँ कि वापस आ जाओ। मेरा दिल नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे उसकी सपोर्ट, उसका साथ, उसकी बातों की बहुत बहुत ज़रूरत थी। और मेरी सपोर्ट भी बहुत करती थी और सहारा भी था मेरा। अगर मैं कहीं बाहर वगैरह जाना होता था तो वो मुझे पीछे की कोई टेंशन नहीं थी होती कि उसने मुझे घर जाके खाना बनाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। सो मुस्लिम सारे हो जाते हैं, किसी के घर जाना पड़ता है, सो स्कूल वगैरह जाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं वहाँ जाती रहती हूँ। लेकिन वो घर में रह के खाना वगैरह बना लेती थी, सारे घर के काम कर लेती थी। इतनी मुझे उसकी सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ। और खून का रिश्ता तो ऐसा होता है ना, वो जब खून से खून जुदा होता है ना, तो यहाँ से आवाज़ आती है, दिल धक धक करता है कि कोई अपना दूर ना जाए, हमारे पास ही आ जाए। तो बस इतनी मैं परेशान भी हूँ, उदास भी हूँ। वो चली गई है तो वैसे काम आधा वो काम कर लेती थी, आधा मैं कर लेती थी, लेकिन वो जब से चली गई है, बस बच्चों ने भी तंग किया हुआ है और घर के, आपको पता है इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो वो चली गई, मैंने फ़ोन भी फ़ोन किया था तो वो कह रही थी मेरा दिल नहीं लग रहा, तो मैंने कहा कि आप वापस आ जाओ। कहती नहीं, आप ही बस अब एक दो दिन और रह लूँगी, जाना तो अपने घर ही है ना, जब कितने दिन यहाँ रह लूँगी। मैंने कहा चलो ये भी आपकी बात ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि आप प्लीज़ जिसके भी बहन भाई हैं, दूर हैं, पास हैं, उनकी कदर किया करें, इज़्ज़त किया करें और प्यार किया करें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि कहाँ किस मोड़ पर ख़त्म हो जाए, लेकिन जो भी पलो हमें खुशी से अच्छे तरीके से जी लेना चाहिए, कि बाद में पछतावा ना हो कि इसके साथ ये पल जिया नहीं है, ये भी बात नहीं की हो। दिल में कोई भी खोट नहीं रखनी चाहिए, जो कुछ भी हो दिल में साफ बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे को कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से ना बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी और बच्चे भी बहुत रोए हैं, बहुत ही ज़्यादा रोए हैं और परेशान भी थे। और कि आंटी कहाँ चली गई, अगर मेरा नाम तो लेते ही नहीं थे, मामा नहीं, बस आंटी। तो इतना आंटी से प्यार करते थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप दोस्तों के आगे शेयर किया करें बहुत ज़्यादा, और जिसके बहन भाई दूर हैं उन्हें कॉल करें, आप उनसे बात करें, और बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून आ जाता है अगर बहन भाई उनसे बात करें, चाहे जितनी भी दूर मोबाइल के मोबाइल से हम किसी से बात कर सकती हैं, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से। क्योंकि आज की इतना भी टाइम नहीं है कि हम किसी जा सके, लेकिन चले तो जाते हैं जिनसे मिलना होता है टाइम निकाल के, लेकिन फ़ोन हमें ज़रूर करना चाहिए, कॉल करके उनसे बात करनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है अगर किसी से बात करें, हाल चाल पूछें। तो
उम्मीद करती हूँ आज के ब्लॉग में आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।